हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो आंसर की था वो एसएससी के पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। आपको कैसे देखना है वन बाय वन सारी स्टेप मैंने वीडियो में बताया हुआ है। चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि इनकी कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो एसएससी एमटीएस के लिए जो इनकी कट ऑफ है 100 में से अगर आप 85 से 90 के बीच में नंबर लाते हैं या उससे ऊपर लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 85 से अगर नीचे लाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर 85 से ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और हवलदार 80 से 85, यहाँ कट ऑफ जनरल के लिए गई है। जो जिन कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस इस्तेमाल किया, ये जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस इस्तेमाल करते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए एसएससी एमटीएस का 80 से 85 नंबर है और वहीं हवलदार का 75 से 80 नंबर है। अब ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का जो एसएससी एमटीएस का कट ऑफ है वो 75 से 80 नंबर है। अगर यहीं हवलदार की बात करें तो 70 से 75 नंबर है। एससी की बात करें तो एससी का जो एसएससी एमटीएस का कट ऑफ है वो 70 से 75 नंबर है। और अगर हवलदार की बात करें तो 65 से 70 नंबर है। एसटी की बात करें तो 65 से 70 है और 60 से 65 है, यानी सबसे कम एसटी वालों के लिए है और सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 से 10 नंबर का छूट मिली हुई है, फिर भी बहुत बड़ी बात है 5 से 10 नंबर भी, क्योंकि एक एक नंबर से लोगों का रुक जाता है, पॉइंट से रुक जाता है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो गाइज ये आपका कट ऑफ है, इतना कट ऑफ आपका जाना तय है, इसके आसपास ही होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एकदम 100% श्योर नहीं है क्योंकि अभी तक पोर्टल पे ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर की रिलीज किया गया। आंसर की के बिहाफ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका जो कट ऑफ जाएगा वो इतना ही जाएगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आंसर क्यू को देखने में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।